हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो आज है 6 सितंबर एंड आज है हमारा बर्थडे। सो अभी टाइम बताऊँ तो हो रही है लगभग शाम की 4:30 बज रही है। एंड सुबह से मैंने क्या किया तो वो सब आपको पता होगा। मेन चैनल पे लाइव स्ट्रीम एंड वीडियो डालने में ही पूरे 4 घंटे चले गए एंड मैंने कुछ भी नहीं किया बर्थडे पे। मैं सुबह से घर पे हूँ एंड अभी हम जा रहे हैं मिठाई की दुकान पे। पहले मिठाई लेते हैं, फिर दादी के जाएंगे एंड उनको मिठाई विठाई खिलाएंगे बर्थडे की। एंड तो व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बर्थडे व्लॉग है, पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं मिठाई वाले की दुकान। तो गाइस घर से निकल चुके हैं। अभी पीछे मौसम देखोगे तो बादल वगैरह हो रहे, मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा मस्त। एंड मेरे बर्थडे के दिन बारिश भी हुई, मतलब इतनी भी बारिश नहीं हुई कि हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते। हुई थोड़ी बहुत, हुई, मौसम हो गया सुहाना, तो मतलब इससे अच्छी और बात क्या ही हो सकती है। बर्थडे के दिन बारिश, बादल छाया, धूप आनी रही। अभी 4:30 बजे से धूप होती है बट अभी धूप आनी रही एंड बादल आपको ऊपर में दिख ही रहे होंगे, कितना मस्त टाइप का ही मौसम चल रहा है। निकल चुके घर से, दादी वाले घर जाएंगे, पहले लेंगे मिठाई एंड मिठाई में मैं लेने वाला हूँ गुलाब जामुन, मेरी फेवरेट है वैसे तो। चलो चलते पहले मिठाई खरीदते हैं एंड देन दादी के घर चले गए। तो ये आ गया अपने गुलाब जामुन अपने पास, अब चलते हैं दादी वाले घर वापस से। गाइस आ गए अपन दादी के घर, अब चलते हैं अंदर एंड मिठाई वगैरह भैया ने पकड़ रखी पीछे। एंड इधर ये देखो कौन है, अच्छा तो ये देखो, ये भी बड़ी पूछ हिला रही है। आज तो शांति है, ठीक है, चलो चलते घर के अंदर चलते। तो देखो इधर गुलाब जामुन है और ये देखो ये कब से पीछे पीछे घूम रहा है। तो अब इसको अपन गुलाब जामुन देते हैं, इसमें से उठा के वेट ये एक ले लेते पीस। मिली खाएगी, ले, ये मीठे का इतना शौकीन है, देखो फटाफट गायब हो गया। वो देखो मकोड़ा और आ गया इसके पास मीठे को देख के, देखो गायब। अभी भी देखो इसकी नज़र क्या है, अभी भी नज़र उधर है भाई पे। ये देखो ये चली गई, देखो वो डब्बे पे नजर है इसकी, डब्बा छोड़ी नहीं रही। सो गाइज अभी अगर मैं बताऊँ तो बर्थडे वाला व्लॉग आपने देखा तो वो कम ही शूट हुआ। तो ये जो था ना पहले, ये मेरे बर्थडे वाले दिन था बट आज तारीख हो चुकी है 9 एंड ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ 9 तारीख को। एंड अभी अपन जा रहे हैं बाल कटाने, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड बियर्ड भी, यार तो बियर्ड भी कटाए गए एंड बाल भी। तो चलो चलते हैं अपन अपने बार्बर के पास एंड फटाफट से कटवाते बाल वगैरह एंड देखते किस तरह का न्यू लुक मैं लेकर के वापस से आता हूँ। तो चलो इसी व्लॉग में, एक ही व्लॉग में दो व्लॉग के मजा आ जाएगा आपको, तो आपके लिए बढ़िया ही है। चलो चलते हैं।
मिली हमारे मोहित भैया से, जो हमारा हाय फ्रेंड, कैसे हो? सो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मोहित, लवली सलून प्रोवाइडर। और कैसा लगा हेयरकट इनका भैया का? सब कमेंट्स में बता देना। और भैया बता दीजिए अपनी ब्रांच कहाँ कहाँ है? लवली हेयर सलून हरिभा उपाध्याय नगर, कोटरा, अजमेर में है। एक है पंचशील विनायक कॉम्प्लेक्स बी ब्लॉक। तो दो हेयर सैलून है अजमेर में। तो कभी भी किसी को भी हेयर रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो लवली हेयर सैलून जरूर से आ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, आप कार्ड देख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये विजिटिंग कार्ड। तो नंबर मेंशन है, अजमेर में हो तो जरूर से एक बार विजिट करना मोहित भैया। तो बाकी मेरा हेयर कट वगैरह आप देख सकते हो, लुक एकदम चेंज हो गया, पहले कैसे थे अब कैसे है। चलो अब चलते आगे और कुछ मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस, वी रीच्ड होम एंड बस अब नहाएंगे धोएंगे और अपना आगे का काम करेंगे। एंड जो स्ट्रीम वगैरह मैं करता हूँ 3 बजे, तो 3 भी बजने वाली, अभी बज रही है 12। तो है मेरे पास अभी 3 घंटे, एक वीडियो भी शूट करनी है और लाइव भी करनी है। तो चलिए व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड कुछ लोग बोलते हैं भाई हेयर स्टाइल ओपी है, तो पता चल गया मैं किससे कराता हूँ हेयर स्टाइल। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है? बाय।